नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, फेसबुक के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से ये एक है, बिकॉज इसमें हम आपको फेसबुक की बिलिंग सेटिंग्स या पेमेंट मेथड्स या पेमेंट सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डिटेल में बताएंगे ताकि आप सही से आप उन सेटिंग्स को करके आप भी फ्यूचर में कोई इनवॉइसेस या बिलिंग से रिलेटेड आपके इश्यूज ना हो, पेमेंट्स से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज ना हो। तो इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे आपको चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आप उसी तरीके से उसको अप्लाई करके आप अपना बिलिंग या पेमेंट मेथड सेटअप कर पाओ। दोस्तों, हमारे चैनल पे फेसबुक ऐड सीरीज के साथ साथ गूगल ऐड सीरीज, इंस्टा सीरीज और बहुत सारी सीरीज ला चुके हैं और ला रहे हैं। तो दोस्तों, लेटेस्ट कंटेंट और क्वालिटी वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको भी लेटेस्ट कंटेंट मिले और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम वीडियो में आपको फेसबुक की कंप्लीट बिलिंग पेमेंट सेटिंग्स बताने जा रहे हैं और काफ़ी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर आपके पास एड मैनेजर अकाउंट है तो कैसे करना है, और यहाँ पर हमने दूसरे विंडो में ओपन कर रखा है, अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो कैसे करना है, और इनवॉइसेस वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हो, दूसरी सेटिंग्स वगैरह भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा, इसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम ऐड मैनेजर से शुरू करते हैं। जब अगर आप ऐड मैनेजर अकाउंट यूज़ कर रहे हो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए और आप उसमें अपनी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप टॉप में जाओ, ऐड मैनेजर्स पे क्लिक करो, यहाँ पर आप आओ बिलिंग में। तो बिलिंग में जैसे आप क्लिक करोगे तो हम बिलिंग के सेक्शन में आएंगे ऐड मैनेजर अकाउंट के। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही बिलिंग में आए, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है, इधर देखो करंट बैलेंस जीरो आ रहा है। पेमेंट सेटिंग पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे आपको करना बता रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो ऐड पेमेंट मेथड पे मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जीएसटी डिटेल्स वगैरह सब डालनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं जीएसटी डिटेल्स भी डाल मैंने अपने पास रखी हुई है, जैसे कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली चीज़ों को करना बता पाऊँ। पी जी सी जी 1 8, ठीक है। यहाँ पर पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप जीएसटी डिटेल डालते हो। यहाँ पर हम नाम और एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। कंट्री एंड रीजन हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। पिन कोड डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अपना, और यहाँ पर हमारा ये सेलेक्टेड है इंडिया कंट्री, INR हमारा यहाँ सब सेलेक्ट है, तो यही सेलेक्ट रहने देंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आगे फर्दर बढ़ेंगे हम कंटिन्यू करने के बाद। यहाँ पर अब दोस्तों फ़र्क क्या है, जब आप ऐड मैनेजर अकाउंट में अपनी बिलिंग सेटिंग करोगे तब आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि डेबिट क्रेडिट कार्ड भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्लस UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग किससे कर सकते हैं, Paytm से कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको UPI, नेट बैंकिंग, Paytm के बिजनेस मैनेजर अकाउंट में नहीं मिलेंगे। यही फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ऐड मैनेजर जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है आपका, ठीक है, उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि कई बार ये मकसद इसलिए था बताने का, कई बार लोग हमारा कोई वीडियो देखते हैं पेमेंट सेटिंग्स का, तो उसमें देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट वो बिजनेस मैनेजर यूज़ कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि हमारे में वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना है कि ऐड मैनेजर इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें UPI, नेट बैंकिंग, Paytm सारे ऑप्शंस आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब हम आते हैं दोस्तों सीधा बिजनेस मैनेजर अकाउंट में बिलिंग सेटअप करना आपको बताते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए क्या है कि यहाँ पर भी बिल्कुल एक फ्रेश नया अकाउंट मैंने बिजनेस मैनेजर अकाउंट हीरा हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर हमने एक ऐड अकाउंट बना रखा है मार्केटिंग फंडाज एड्स के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम अपने नए ऐड अकाउंट में आएंगे और उस अकाउंट में अब हम अपनी बिलिंग ऐड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इधर, ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया ऐड अकाउंट। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इधर एड्स पे, एड्स इधर यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम बिलिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम अपने बिलिंग में क्लिक करेंगे तो अब हम अपने बिलिंग के सेक्शन में पहुँचेंगे,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अपने ऐड अकाउंट के, बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट के यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ये बिजनेस मैनेजर है दोस्तों, वो हमारा था ऐड मैनेजर अकाउंट। देखो ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट है और ये उसके अंदर ऐड अकाउंट है, और वो हमारा सिर्फ सिंपल अकाउंट था और उसके अंदर हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट था। अब दोस्तों देखो, हम यहाँ पर अपना ऐड पेमेंट मेथड पे आए, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करा सेम हमारे पास वही प्रोसीजर आ जाएगा। अब हम अपना यहाँ पर जीएसटी डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर जीएसटी डिटेल डाली, पैन नंबर अपने आप ले लेता है वो। यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, यहाँ पर हम अपनी कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम अपना दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे बिकॉज वी आर फ्रॉम दिल्ली इंडिया। और यहाँ पर हम अपना उस हिसाब से पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया और आईएनआर हमारी करेंसी सेलेक्टेड है वही रहने देंगे, आपकी कोई और कंट्री चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर कंटिन्यू करा, तो अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट था, सिंगल जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है। और देखिए बिजनेस मैनेजर अकाउंट में अगर आप ऐड मैनेजर में आप ऐड अकाउंट के अंदर आप बनाओगे, बिलिंग सेटिंग करोगे, तो वहाँ पर सिर्फ जो ऑप्शन आता है वो आता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का। तो अब इसमें फर्दर आपको मैं करना बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर हम कोई कार्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम एक कार्ड ऐड करते हैं दोस्तों, कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं पीयूष, जो भी कार्ड में आपके नाम है वो लिखेंगे आप। ये हमने यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर हम अब अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डालेंगे। ये क्रेडिट कार्ड डिटेल हमारे यहाँ शो कर रहा है, पहले हमने डाला होगा। अब इसमें हम अपना सीसीवी, आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। अब यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों अपनी सारी डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे अब हम। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करा, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आ गए, ये अब प्रोसेस कर रहा है हमारी डिटेल्स को। अब यहाँ पर वेरीफाई करेगा, 3 रुपये जाएंगे और वहाँ से कट होंगे, पहले ओटीपी आएगा, 3 हमने ओटीपी डाला, यहाँ पर सबमिट करा। तो जैसे हम यहाँ पर ये सबमिट करेंगे दोस्तों, अभी हमारा कार्ड वेरीफाई करेगा, वहाँ पर 3 रुपये जाएंगे, कटेंगे और वो रिवर्स भी आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमारा पेमेंट मेथड प्रॉपर तरीके से ऐड हो गया। और ऐड मैनेजर अकाउंट में भी आपको कार्ड्स ऐड करने, डेबिट क्रेडिट तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम से भी पेमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बताया। अब दोस्तों फर्दर ये तो हो गया पेमेंट मेथड हमें ऐड करना। अब मैं पुराना हमारा कोई अकाउंट जिसके अंदर ऑलरेडी हमारी बिलिंग्स हैं, ये तो नए अकाउंट में फ्रेश तरीके से बताया। अब आपका जब अकाउंट में पेमेंट होगी, आप एड्स चलाओगे, तो किस तरीके से बिल्स वगैरह, इनवॉइसेस, अदर सेटिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम एक पुराने अकाउंट में चले गए, जैसे इस अकाउंट में गए जिसमें हम एड्स चलाते हैं, तो इस अकाउंट में जाने के बाद हम यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते हैं बिलिंग के ऊपर। बिलिंग में गए दोस्तों, ठीक है। बिलिंग्स में जाने के बाद अब हम क्लिक यहाँ पर आ गए हम। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेमेंट सेटिंग्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए, इसमें हमारा ये पहले के जो हमारा पेमेंट मेथड ऐड है, मैं पुराना अकाउंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अमाउंट स्पेंट भी दिखाएगा, जैसे यहाँ पर 1,02,000 रुपये के आसपास हमने अमाउंट स्पेंट करा है। बिलिंग रिसिप्ट हिस्ट्री देखनी है, तो यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हो, बिलिंग रिसिप्ट वगैरह जो हैं ये हमने पेड कर रखी है, तो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों आते हैं, लाइक ये जो इनवो, ये जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो, इस ट्रांजेक्शन को मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी बिलिंग समरी आ गई है, यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है बिल को, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, तो वो आप अपना जो इनवॉइस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, डाउनलोड हो गया। और आपको व्यू करना है, तो देखो इस तरीके से ये यहाँ पर बिल आएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं इधर क्लिक करते हैं, ठीक है, वापस।
तो अब जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो बाय पेजेस, अमाउंट, स्पेंडिंग लिमिट। यहाँ पर आप लाइक 30 डेज का है, अगर आपको पहले से करना है जिस भी महीने से तो आप तब से लेके सेलेक्ट कर सकते हो आपको किस मंथ का चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर मंथ का भी, और आपको सारे मंथ्स का चाहिए जब जब आपके एड्स चले हैं जिन मंथ्स में, ठीक है, तो उन सब का आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इनवॉइस ले सकते हो, ठीक है। फिल्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर डाउनलोड ऑल इनवॉइसेस पे जाते हो तो बिलिंग समरी एज अ पीडीएफ पूरा निकालना है, इंडिविजुअल इनवॉइसेस निकालना है, ये सब चीज़ें आपको टैक्सेस वगैरह के लिए अपने सीए को देने के लिए अपने रिकॉर्ड के लिए काम आती है दोस्तों। तो इस तरीके से पेमेंट मेथड ऐड करना और अपने बिल्स वगैरह इनवॉइसेस कैसे निकाल सकते हो चेक कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे ताकि आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थैंक यू। तो दोस्तों अब हमने जाना फेसबुक पेमेंट मेथड के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्यूरी होती है या आप किसी टॉपिक पे जानना चाहते हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, तो हम उन वीडियोस को आप फ्यूचर में आपके लिए लेकर आएंगे ताकि उस पर भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। दोस्तों हमारे चैनल पे हम बिगनर टू एडवांस लेवल पे चीज़ों को करना सिखा रहे हैं ताकि अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें सीखोगे तो आप किसी भी तरीके का कैंपेन खुद अपने लेवल पे बना पाओगे। तो दोस्तों हमारे चैनल में आपको ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम वीडियोस दे रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे दे रहे हैं, सिखा रहे हैं ताकि आप उनको अपने बिजनेस करियर में अप्लाई करके अपने को ग्रो कर पाओ। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।